हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराते हैं। दोस्तों, ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होता है, इसका सारा प्रोसेस क्या है दोस्तों, सारी प्रक्रिया क्या है दोस्तों, आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है दोस्तों ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए। दोस्तों, इसमें ज़मीन रजिस्ट्री होती कैसे दोस्तों, सारा डिटेल मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। और मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है दोस्तों आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम मिलता है दोस्तों, चलिए सीधे आपका आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमको ध्यान रखना, जब जमीन रजिस्ट्री हम कराने जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये है कि जो सेलर है और परचेजर है, दोनों की सहमति से ज़मीन की रजिस्ट्री होती है दोस्तों। तो दोनों एग्री होने चाहिए जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए दोस्तों। ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए हमको दोस्तों रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमको वहाँ वकील से मिलना होगा, जिसको हम मुंशी भी बोलते हैं। जो रजिस्ट्री ऑफिस में सारे बैठे रहते थे, वो सारी प्रक्रिया जो दोस्तों वो पूरी करते हैं, जो भी काम होता है कैसे होता है, तो वो सारा कुछ आपको पहले वहाँ जाना होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड दोस्तों लेकर जाना होगा, फोटो आपका लगेगा दोस्तों, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, दोनों का आधार कार्ड और फोटो लगेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से ज़मीन की खतौनी लगती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दो गवाहों की ज़रूरत है दोस्तों, जो दो गवाह उस आपके उसमें रहेंगे दोस्तों, ज़मीन रजिस्ट्री कराने के टाइम दोस्तों, की ज़मीन कि रजिस्ट्री में जो गवाह है दोस्तों, कि आप ज़मीन बेच रहे हैं और वो ज़मीन खरीद रहे हैं, एक गवाह उनके तरफ से होगा जो खरीदने वाला है, और एक गवाह जो है बेचने वाले की तरफ से होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है, तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है दोस्तों, ठीक है। जब आप जाएंगे ज़मीन रजिस्ट्री कराने, तो आप ये दोस्तों ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन किस एरिए में है, ठीक है। उस एरिए के सर्कल रेट के हिसाब से दोस्तों जो ज़मीन की मालियत लगती है, ठीक है, उस ज़मीन की मालियत के हिसाब से आपका स्टाम्प पेपर लगेगा दोस्तों, ठीक है। सपोज़ दोस्तों कि अगर ज़मीन की मालियत है, आप जिस एरिया में ज़मीन खरीदे, उस ज़मीन की मालियत दोस्तों 10 लाख रुपया बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 10 लाख बन रहा है, तो उसका स्टाम्प पेपर दोस्तों 40,000-45,000 ऐसे उसका स्टाम्प पेपर लगेगा दोस्तों, ठीक है। इस एरिए के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। उसके पास से दोस्तों होता है क्या कि हम वो पैसा जो है वो वकील को जमा करते हैं दोस्तों, जो स्टाम्प पेपर का जो वैल्यू होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि हमको ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कराना होता है, जिसमें हमकी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, उसमें एक आईडी मिलता है दोस्तों। तो ये भी काम जो वहाँ पर वकील होता है, जो मुंशी होता है, वो ये काम करता है, ठीक है, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं। उसके बाद होता है कि दोस्तों ई स्टाम्प जो है वो निकाला जाता है, जिसके आप देख सकते हैं ये ई स्टाम्प है दोस्तों, ठीक है। इसमें सारा डिटेल जो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ई स्टाम्प दोस्तों, इसमें सर्टिफिकेशन नंबर रहेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद से सर्टिफिकेशन डेट रहेगा, अकाउंट रेफरेंस रहेगा, यूनिक डॉक्यूमेंट रेफरेंस रहेगा, परचेस बाई जो परचेस खरीद रहा है उसका नाम, डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स रहेगा दोस्तों, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपकी प्रॉपर्टी किस मौजा में है, किस एरिया में आती है, आपकी प्रॉपर्टी का नंबर क्या है दोस्तों, वो सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा दोस्तों। फिर उसका फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, उसका नाम रहेगा दोस्तों, और स्टाम्प ड्यूटी पेड जो है वो कितना स्टाम्प ड्यूटी आप पेड कर रहे हैं, वो भी यहाँ मेंशन रहेगा दोस्तों, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पर रहेगा, जिसको हम दोस्तों ई स्टाम्प बोलते हैं, ठीक है, ई स्टाम्प बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों होता क्या है कि स्टाम्प पेपर जो है, पूरा जो दस्तावेज है उसको तैयार किया जाता है, लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है लिखा हुआ है कि विक्रय पत्र, जिसको बोले, इसमें किस डेट को आप ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है, उसका मालियत क्या है दोस्तों, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी क्या है, जिस एरिया में आप ज़मीन खरीद रहे हैं दोस्तों, उस एरिया का सर्कल रेट क्या है, वो भी यहाँ मेंशन किया जाता है, मौजा क्या है, किस मौजा में आपकी ज़मीन है, वो भी यहाँ पे रहता है, उसका आरजी नंबर क्या है दोस्तों, वो भी रहता है। फिर उसके बाद यहाँ रकबा दर्शाया जाता है दोस्तों, कि आप ज़मीन कितना खरीद रहे, कितना स्क्वायर फीट, कितना डिसमिल दोस्तों, वो चीज़ यहाँ पर फिर मेंशन किया जाता है, ठीक है। वो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर जो वकील होता है, मुंशी होता है, वो सारा कुछ यहाँ लिखेगा दोस्तों दस्तावेज, ठीक है, सारा कुछ दर्शाएगा दोस्तों, आपके प्लॉट पे दोस्तों, आपके प्लॉट पे रोड है रोड नहीं है, कि कितना रोड है आपके, मतलब एक रोड है कि दो रोड है, इस तरह का सारा कुछ उसमें आपके प्लॉट में मिलता है, आपके प्लॉट के बगल में किसका प्लॉट है उसका भी नाम दर्शाए, इसको चौहद्दी बोलते हैं दोस्तों। वो चीज़ जो है वहाँ पर
आपके स्टाम्प पेपर में दोस्तों वो दर्शाया जाता है सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, आप पैसा का लेन देन कैसे कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आप पैसा आरटीजीएस के थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। चेक नंबर, आरटीजीएस नंबर जो है उसमें दर्शाया जाता है दोस्तों, ये सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। ये लिखने के बाद से दोस्तों, उसके बाद से होता क्या है दोस्तों कि आपका फ़ोटो, ठीक है, खरीदने वाले का फ़ोटो उसमें और बेचने वाले का फ़ोटो और दोनों गवाह का फ़ोटो, ठीक है, दोनों वो लगता है दोनों स्टाम्प पेपर में, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि सिग्नेचर होगा, सारे लोगों का सिग्नेचर होगा दोस्तों स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर होने के बाद से ये सारा प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों। सिग्नेचर होने के बाद अब जो है दोस्तों, आपको अंदर जो सब रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार ऑफिसर है दोस्तों, आपकी वहाँ पेशी होगी दोस्तों, ठीक है। आपको अपना वहाँ आधार कार्ड लेकर जाना, खरीदने वाले को, बेचने वाले और गवाह को, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, आप अपनी ज़मीन बेच रहे हैं तो कितने हैं बेच रहे हैं, जो उसमें दर्शाया गया स्टाम्प पेपर में आपको वही बताना है कि स्टाम्प पेपर में इतने ज़मीन बेच रहा हूँ मैं, ये है। फिर उसके बाद गवाह से पूछा जाएगा, अभी गवाह है ये सारी प्रक्रिया दोस्तों। इस करने के बाद से फिर जो है आपका फिंगर होगा दोस्तों, फिंगर होने के बाद से फिर आपका रसीद कटेगा। इस तरह से करने के बाद, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद से दोस्तों आपकी ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्री होने के बाद एक महीने से लेकर 40 दिन के अंदर दोस्तों आपका खारिज दाखिल होगा दोस्तों। इसमें 40 दिन का टाइम दिया जाता है, एक महीने से 40 दिन का टाइम दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, लेन देन, पैसे का कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है या ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो है, तो उसमें क्या है, आप आपत्ति, ऑब्जेक्शन कर देते हैं, कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एक महीना से लेकर 40 दिन का टाइम दिया, इस बीच आपत्ति कर सकते हैं, आप खारिज दाखिल रुकवा सकते हैं उसको, अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रक्रिया है और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आप जब जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है, जो वहाँ वकील है, मुंशी है, वो सारा कुछ आपको बता देगा, वो आपको गाइड करेगा दोस्तों कि आपको करना क्या है, क्या क्या करना है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और ये पूरा बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस बहुत आसान है, 2 से 3 घंटा लगता है और सारा कुछ हो जाता है दोस्तों, रजिस्ट्री वगैरह ये सारा। तो इस तरह से दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये सारा कुछ आपको जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई क्वेश्चन दोस्तों आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। आपको सजेशन, कोई आपको सजेशन है दोस्तों मेरी वीडियो के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, उसको मैं फॉलो करूँगा दोस्तों। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, मैं तो कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की दोस्तों। तो आप मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना भूलें।